मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड 7 एसएस लेसन नंबर 6 का हम आज रिवीजन करेंगे ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मेडिवल एज जो मेडिवल एज का टाइम था उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और आर्किटेक्चर किसने क्या बनवाया वो सब यहाँ पे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्लियर लेसन नंबर 6 जो है इसमें इम्पोर्टेंट आपके जो मोस्टली जो टेक्स्ट लिखे गए हैं बुक्स लिखे हैं तो किसने कौन सा टेक्स्ट लिखा है वो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान से सुनना है और याद भी रखना है ठीक है और इसके अलावा कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट वो नेम स्पेसिफिकली बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इस चैप्टर में क्लियर समझ में आया हम एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चर के बारे में मेडिवल टाइम के टाइम कैसा था वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ठीक है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था राजपूत एज के टाइम बहुत सारे किंग आए रूल किया ऐसा यहाँ पे नहीं इंडिया जो है यहाँ पे वॉज नॉट रूल्ड बाय एनी वन किंग कोई एक किंग नहीं है कि उसने रूल किया है बहुत सारे किंग आए और गए एक किंग आया उसने रूल किया उसकी डेथ हो गई अगर बाय चांस एक्सपायर हो गया या तो फिर सामने किसी के साथ युद्ध करने में उसकी मृत्यु हो गई है मतलब वो वीर लगे पाया गया है तो उसमें उसकी डेथ हो गई तो दूसरा किंग आया उसकी प्लेस पे उसने रूल किया उसकी डेथ हो गई तीसरा आया उसने रूल किया इस तरीके से इंडिया के अंदर बहुत सारे किंग आए और उन्होंने रूल किया इंडिया क्लियर फिर इंडिया जो है पहले के टाइम डिवाइड कर दिया गया था डिवाइड कर दिया दो भाग में एक बिग स्टेट और एक स्मॉल स्टेट इस तरीके से इंडिया को डिवाइड कर दिया गया ठीक है और जो है यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लिटरेचर उसके बारे में आर्किटेक्चर और एक्सटर्नल इन्वेशन बाहर के जो प्रॉब्लम थे कौन आया कहाँ पे किस टाइम में वो सब हम इसमें पढ़ेंगे ये चैप्टर के अंदर क्लियर समझ में आया आपको हमेशा चैप्टर के नाम से पता होना चाहिए कि ये चैप्टर में कौन से पार्ट आते हैं ये चैप्टर में कौन से पार्ट आते हैं क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है चैप्टर का नाम पता हो तो आप इजीली आपको कोई भी क्वेश्चन करे तो आप बोल सकते हो ये लेसन नंबर 6 का क्वेश्चन है और इसका आंसर ही आता है पर उसके लिए आपको पता होना चाहिए चैप्टर क्लियर अब इसमें हमारे मेन फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आफ्टर 7th सेंचुरी के बाद की बात गई है राजपूत डायनेस्टी उस टाइम रूल करती थी इंडिया राजपूत डायनेस्टी जो थी वो रूल करती थी इंडिया फिर उसके बाद बहुत सारी डायनेस्टी आई और उन्होंने भी रूल किया यहाँ ऐसा और कुछ थोड़ा बहुत चेंज उनके एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रहा देयर वाज अ लिटिल चेंज इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ठीक है थोड़ा बहुत अगर मैं यहाँ पे हूँ रूल करके रहा तो मेरा रूल अलग तरीके से होगा मेरी जगह दूसरा कोई आएगा तो उसके रूल में थोड़ा बहुत तो चेंज होगा वैसे ही जो है किंग आए तो हर एक किंग के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंज आए क्लियर पर किंगशिप जो थी वो हेरिडिटरी दैट मींस कि फादर किंग है तो अब फादर जो है नहीं रहे तो उनके सन को किंग बनाते सन जो है बड़ा हो गया किंग होने के बाद अब उसके सन को किंग ऐसा समझना है किंगशिप वाज हेरिडिटी का मतलब ये होता है क्लियर
है उसको भी हमेशा किंग बनाना चाहिए। जो सबसे बड़ा बेटा है उसको भी हमेशा किंग बनाना चाहिए। क्लियर? ठीक है, अब जो है आगे हम पढ़ेंगे कुछ केस में पीपल्स और किंग को है वो इलेक्ट को क्या करते हैं, लोग चूज करते थे किंग को, और उसके अलावा कहीं कहीं पे पीपल और मिनिस्टर्स जो होते थे वो लोग रहते थे, इलेक्ट किए जाते थे। पीपल और मिनिस्टर इलेक्ट करते थे किंग को और फिर वो इंसान को किंग बनाए। जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि किंग है, अब उसकी डेथ हो जाती है बट उसका सन नहीं है, तो अब उसके सन की जो प्लेस है तो वो कौन लेगा, है ना? तो अब जो है पीपल और मिनिस्टर मिलके इलेक्ट करते थे और सिलेक्ट करते थे किंग कि हाँ ये पर्सन जो है बहुत परफेक्ट है किंग बनने, ये पर्सन परफेक्ट है किंग बनने के लिए, और उसको ज्यादा वोट मिलते थे जिसको वो किंग बना। क्लियर? समझ पाए? जैसे कि कश्मीर के अंदर जो है यशकारा किंग जिसको जो है सिलेक्ट किया गया है, ब्राह्मीन ग्रुप जो है उन्होंने उसको बनाया। गुजरात में कुमार पाल, ये दो एग्जांपल है, क्वेश्चन आंसर में भी आया था ये क्वेश्चन कि दो एग्जांपल दो, तो एक है कश्मीर के यशकारा किंग, दूसरे है गुजरात के कुमार पाल, दूसरे है गुजरात के कुमार पाल। क्लियर? कुमार पाल को जो है चूज किया था बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समझ में आया इतना यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट, अब जो है मिनिस्टर्स भी अपॉइंट, किंग जो है वो कुछ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन काम करने के लिए। सब काम अकेला किंग नहीं कर सकता ना, कोई भी एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए किंग ने मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को कंप्लीट करने के लिए। समझ में आया? मैनेज करने के लिए ऐसा भी बोल सकते। क्लियर? अब नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिस्टम इन विलेज। गांव के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे होता है? तो गांव के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में पंचायत होती थी, पंचायत में जो है विलेजेस के अंदर हेड होते थे, जो पांच लोग वो लोग मेन होते थे, सारे प्रॉब्लम्स जो है सब इकट्ठा होके बैठते थे, पंच आके बैठते थे और जो प्रॉब्लम है वो उनके सामने रखते थे कि हमें ये प्रॉब्लम है। सब डिस्कशन होने के बाद, सबके पॉइंट ऑफ व्यू लेने के बाद जो है फाइनल डिसीजन लिया जाता। इस तरीके से विलेज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है। क्लियर? समझ में आए? और उसके अलावा लिटरेचर, लिटरेचर में कौन से कवि ने, कौन से किंग ने क्या लिटरेचर पर, कौन सा लिटरेचर पर लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको याद रखना है। जैसे कि पंडित नारायण है तो उसने बेस्ट वो स्टोरी का कलेक्शन है हितोपदेश। ठीक है, हितोपदेश जो है एक पंचतंत्र के ऊपर बेस्ड है, और हितोपदेश क्या है तो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, उसमें बहुत सारी स्टोरीज लिखी है पंडित नारायण ने, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हितोपदेश किसने लिखी है। ठीक है, वो किसके ऊपर बेस है, पंचतंत्र के ऊपर, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है या तो पंचतंत्र किसने लिखी है, तो आर के नारायण, आर के नारायण
इंदोपदेश ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बेस्ड ऑन पंचतंत्र. क्लियर? इस तरीके से ये नाम आपको याद रखने हैं, नाम और उनके वर्क, ऑथर या तो राइटर पोएट जो भी है और उनका वर्क लिटरेचर, उन्होंने कौन सा क्या लिखा है वो समझ में आए. ये इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में भी आएगा, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भी आएगा, इसलिए इसको याद रखना है. ठीक है, आई नो कि उसके स्पेलिंग बहुत बड़े बड़े हैं, पर आप जो है उसको थोड़ा थोड़ा करके हाफ हाफ करके रीड करो, तो आपको रीड करना आ जाएगा तो लिखना भी आ जाएगा. ठीक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट है विशाखा दत्ता है, उसने मुद्रा राक्षस जो है वो उसका वर्क है, तो आपको याद रखना है विशाखा दत्ता ने क्या लिखा है, तो मुद्रा राक्षस. ठीक है, विशाखा दत्ता ने क्या लिखा है, तो मुद्रा राक्षस. ठीक है, वैसे ही दूसरे भी है, कलहर है, तो कलहर ने क्या लिखा है, कलहर ने राजतरंगी ने लिखा है, राजतरंगी ने. ठीक है, ये कलहर का वर्क है. मैंने ये आपके मैच के कॉलम में पूछा था, समझ में, और टेबल के फॉर्म में भी पूछ सकती हूँ आपको, और जो वर्कशीट आए उसमें ये एग्जाम हो सकता है, एग्जाम में तो ये आएगा ही कंपलसरी. देखिए से क्योंकि यहाँ पे इनके नाम आपके बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको ये जो है इस तरीके से याद रख. क्लियर? फिफ्थ है ये पलकर का राजतरंगी, फिफ्थ है विक्रमादेव चैन, विक्रमादेव चैन को है बिल्कुल नहीं. बेहन ने क्या लिखा है, विक्रमादेव चंद, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको इस तरीके से याद करना है. क्लियर? समझ में आया? फिर और है, ठीक है, सोमदेव ने कथा करी सागर, सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखा है, समझ में. चांद पर जाएंगे पृथ्वीराज रासो,
विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस, पल्हर ने राज तरंगिणी, बिल्हन ने विक्रमादित्य, सोमदेव ने कथा सरिस्तावत, चांदवर्गाय ने पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट है, आपने अपने बुक में नोट डाउन कर लो, ये आपको आना ही चाहिए, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भी आएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट स्टैंडर्ड में इससे भी बड़े बड़े नाम आएंगे, इसलिए ये तो बहुत छोटे छोटे नाम है, आपको आना चाहिए। देखो इजी है, देखो हाफ ऑफ करके याद करो, मुद्रा राक्षस, राज तरंग की, ऐसे करके याद करो, इजी है। मुद्रा इतना, फिर दूसरा राक्षस, यहाँ पे राज तरंग और गिनी, विक्रम आदेव को आते ही विक्रम आदेव और किम, इस तरीके से याद करो, इसको छोटा छोटा कर दे। फिर कथा सॉरी तीन ने इसको आधा आधा टुकड़ों में बांट दो तो हो जाएगा, कथा सॉरी सागर सोमदेव ने लिखा ऐसा। फिर चांद भर गए तो पृथ्वी पृथ्वी राज रास, ठीक है, रासो वो तो रास गरबा हम करते उससे रासो ऐसा, रास रास तो आते ही आपको लिखना, तीन मणि आर ए एस ओ लगा देना रास। तो अभी जो है आपको ये स्पेलिंग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में अगर आपने रॉन्ग स्पेलिंग लिखी है ना तो उसके मार्क्स काटूंगी। ठीक है, स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है तो उसके मार्क्स काटूंगी, और अगर स्पेलिंग सही है पर आपकी हैंडराइटिंग गंदी है तो उसके भी मार्क्स कट होंगे। समझ में आया, जैसे मैंने सिखाया है आप पे वैसे करके आपको ये देख लिख के लर्न करना है, और आपको नहीं पता है तो पांच पांच बार ये सारी बड़ी बड़ी स्पेलिंग आपके नोटबुक में लिखो। क्लियर, पांच पांच बार आपके बुक में ये लिखो नोटबुक में तो जाके आपको और अच्छे से हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। विशाखा दत्ता मुद्रा राशि, विशाखा दत्ता मुद्रा राक्षस, पल्हर राज तरंगी, बिल्हन विक्रमादेवचंद। मैं तो एक ट्रिक बना कि बीएम ऐसे कर दो, जैसे बीएम बीएम मतलब कैसा, तो बीएम याद रखने का बी और एम, बी का जोड़ी एम के साथ, विशाखा दत्ता मुद्रा राक्षस, गल्फर और राजकरण के लिए किया गल्फन और राजकरण के लिए, बिल्हन और विक्रमादित्य है तो बी या तो बी सी भी आ सकता, बी बी और सी ऐसी करके भी आ सकता है, विक्रमादित्य है ना वो आगे भी है, बी बी या तो बी बी सी ऐसा करके याद करो, पैर में लंग हो जाएगा आपको स्पेलिंग जो लिख लिख के लर्न कर लोगे। हाफ हाफ बच्चा क्या और उसका ऑथर और वर्क उन दोनों की जोड़ी तो वो तो आपको लर्न करनी है। टेबल भी आ सकता है आपको एग्जाम में, या तो फिर मैच का कॉलम भी आ सकता है। दूसरे लेसन में और भी है, इसके सारे मिक्स ना हो जाए इसलिए मैं बोला ऐसे करके याद करो, बी एम तो विशाखा दत्ता मुद्रा राक्षस, और याद रखेगा कि आगे वाला जो वर्ड है वो हमेशा ऑथर को रिप्रेजेंट करते हुए हमने देखा, और सेकेंड वर्ड है वो हमारे लिटरेचर का वर्क उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर आगे पीछे कर दोगे तो भी रॉन्ग हो सकता है क्योंकि इधर वी है और इधर बी है, इधर बी है और इधर एम, इसलिए सब फिक्स कर दोगे। B M
और यहाँ पे ये इसका ऑथर और ये इसका लिटरेचर है, ठीक है, बी एम, फिर दूसरा तो के आर, ठीक है, फिर तीसरा तो बी बी, ठीक है, फिर चौथा सोमदेव और कथा सरिता का एस के और सी पी, ऐसे करके याद कर लो, याद हो जाएगा। ये एकदम शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है, ये सब लर्न करते हैं, समझ में आ रहा आपको। फिर है मैं मृतुंगा, मृतुंगा प्रबोध चिंतामणि, मृतुंगा है तो उसका एम और प्रबोध चिंतामणि का एम पी, एम पी का एम पी, एम पी स्टेट है ऐसा, याद रखो इसी इतने है, इतने आप इस तरीके से याद रखो तो बहुत इजी। विशाखा दस मुद्रा कलमन राज कराते हैं, बिलमन विक्रमादित्य हैं, सोमदेव तथा सरिता, जानवर ने पृथ्वीराज का, मृत्यु का प्रबोध चिंता है। देखो कितने इतने मेरे को याद भी हो गए इतने, मेरे को बात को भी हो जाना चाहिए, समझ में आया। इस तरीके से इसको याद करो तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये सब जो है उसके लिटरेचर वर्क है। अब आर्किटेक्चर हम देखते हैं, ठीक है, अब हम आर्किटेक्चर देखते हैं। अगर आपको ये लिखना है तो लिख लो, आप खुद भी इसको इस तरीके से लर्न करना, ठीक है। इसको अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो, अब भी याद करना, इस तरीके से जल्दी हो जाएगा और एग्जाम के टाइम लास्ट मोमेंट में रिवीजन करने में इस तरीके से ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, समझ में आए। चलो नेक्स्ट हमारा है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के अंदर हम जो है देखेंगे कौन से टेम्पल किसने बनाए हैं। तो खजुराहो कहाँ पे है, तो एमपी में, जो इस तरीके से याद है, खजुराहो एमपी, क्लियर। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी याद करना है, इसको भी याद रखें कि एम खजुराहो एमपी, ठीक है। यहाँ पे के आर है एस के, तो यहाँ पे के एम है, कोई सेम नहीं है, इसलिए मिक्स होने के कोई चांसेस नहीं, ठीक है। फिर दूसरा है पूरी टेंपल, लॉर्ड जगन्नाथ का बहुत फेमस है, जगन्नाथ पुरी की तो यात्रा निकलती है, रथ यात्रा बहुत फेमस है, बहुत सारी पब्लिक वहाँ के, वो टेंपल की बात यहाँ पे की गई है। जगन्नाथ जो लॉर्ड जगन्नाथ है श्री कृष्ण जी, उनके उनका टेंपल है जिसका नाम है पुरी टेंपल, पुरी टेंपल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ विच इज वेरी फेमस, ठीक है, फॉर देयर स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। वहाँ पे जो आर्किटेक्चर उदरण काम करके जो बनाया गया था स्कल्पचर आर्किटेक्चर, उसके लिए वो बहुत फेमस, उसके लिए बहुत फेमस, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रख। डन। फिर नेक्स्ट है कोणार्क, कोणार्क जो है सन टेम्पल कोणार्क, टेम्पल कोणार्क का बहुत फेमस है, कोणार्क का सन टेम्पल, इसको भी ऐसे करके याद करना है, क्लियर। इसमें जो है ऐसा बोला है कि इतने बहुत बहुत सुंदर बनाया गया है और इसका जो शेप है वो ऐसा है कि जैसे चैरियट रथ है उसको घोड़े चला रहे हैं, इस तरीके से इसका आर्किटेक्चर काम है, बहुत ग्रेट फाइननेस के साथ में इसका काम किया गया है, क्लियर। तो सन टेम्पल कहाँ होता,
कोणार्क का, ठीक है। फिर मार्तंड टेंपल ऑफ कश्मीर, मार्तंड टेंपल, कश्मीर का मार्तंड टेंपल बहुत फेमस है, ठीक है। वो याद रखना, अगर आएगा मार्तंड टेंपल कहाँ पर था तो कश्मीर का, इसमें भी एम के ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे एम भी है, यहाँ पे एम के, यहाँ पे एस के है, तो यहाँ पे भी एस के है। पर ये आर्किटेक्चर है, वो वर्क है, लिटरेचर है, क्लियर। फिर है दूसरा नेक्स्ट, मतलब मोडेरा का सन टेम्पल जो गुजरात में है, मोडेरा का सन टेम्पल जो गुजरात में है, वो भी बहुत फेमस है टेम्पल। और ऐसा बोला गया है कि जो मोडेरा का जो टेम्पल है वो इस तरीके से बनाया गया है कि सबसे पहली रे जो सन की निकलती है वो सीधा उसके आइडल पे गिरती है। जब सन निकलता है तो उसकी फर्स्ट रेज उस आइडल पे गिरती है। ये इसकी बहुत स्पेशलिटी है मोडेरा सन टेम्पल, क्लियर। इसलिए इसको नाम भी सन टेम्पल दिया है। समझ में आया, क्लियर है इतना यहाँ तक आपको सब कुछ? ये सब भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर ये ऐसा कुछ है कि मोडेरा सन टेम्पल किसके लिए फेमस है, तो आपका चलना है तो फर्स्ट प्लेस सन की गिनती है आइडल के ऊपर उसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर में आया तो ऑप्शन में एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए ये याद क्लियर। एलोरा के जो डेक्कन की है वो तीन रिलीजन को रिप्रेजेंट करती है। एलोरा के जो अजंता एलोरा के है दोनों अलग अलग है, उसके एलोरा के जो है डेक्कन की वो बहुत फेमस है और तीन रिलीजन को रिप्रेजेंट करती है, हिंदुज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म। हिंदुज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म ये तीन रिलीजन को रिप्रेजेंट करती है, क्लियर। और उसमें एक ग्रैंड कैलाश टेम्पल है, वो बहुत ग्रैंड टेम्पल है, बहुत फेमस एक टेम्पल है, ठीक है। एलिफंटा केव्स कहाँ पे है, तो मुंबई में। एलिफंटा केव्स जो है वो मुंबई में है, ठीक है, एट मुंबई में है। एलिफंटा जो है केव्स वो कहाँ पे है, तो एलिफंटा केव्स जो है मुंबई में है, और वो एक ब्यूटीफुल थ्री फेस स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा का एक थ्री फेस स्कल्पचर है, एक यहाँ दूसरा फेस यहाँ तीसरा, तीन फेस वाला एक बहुत ब्यूटीफुल स्कल्पचर है वहाँ पे, उसके लिए वो बहुत फेमस है, ठीक है। फिर मीनाक्षी टेम्पल जो मदुराई में है वो भी बहुत फेमस है हमारे इंडिया में, ठीक है। फिर साउथ के अंदर जो है एंट्रेंस जो इंपोसिंग गेट पे जो बनाया होता है ना बहुत ब्यूटीफुल, उसको गोपुराम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, गोपुराम। साउथ के अंदर मोर ओवर जो एंट्रेंस होता है इंपोसिंग गेट पे उसको गोपुराम बोलते हैं। गोपुराम क्या होता है सबको आ सकते हैं एग्जाम में, क्लियर। यहाँ तक समझ में आया सबको? और यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात का है वो भी बहुत फेमस है, इसलिए इसके ऊपर बहुत बार मूवी फिल्म है, क्लियर। हमारा यहाँ पे जो है सिर्फ दो टॉपिक अब बचते हैं, मोहम्मद गजनवी एंड चेंज ऑफ पावर एट दिल्ली। फिर ये लेक्चर करें एकदम फिनिश हो, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में जितना जो बताया वो सब इम्पोर्टेंट था, इसलिए
इसलिए आपको सब देख लिख के प्रैक्टिस करना है। ये इस तरीके से मैंने शॉर्टकट बताया वो भी आप कर लो, ठीक है। इसमें ये इतना आर्किटेक्चर का टेबल बना दो, यहाँ पे ये मैंने बताया के एम एस के एम के फिर मोडेरा का एम एस टी जी, ये इतना ही। तो ये जो है याद